Hey guys, it's the second day of my trip and yeah, welcome back to my channel. This is me, Shweta. So, आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा था जहाँ हम देहरादून विज़िट किया था एंड हम ज़्यादा विज़िट नहीं कर पाए बिकॉज़ हमारे पास टाइम इशू था और हमें मसूरी निकलना था. सो द डे सेकेंड अब हम यू नो मसूरी के लिए निकल रहे हैं और आई एम सो सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन मसूरी एंड बस हम लोगों ने ऑटो बुक करी है एंड हम लोग निकल चले हैं. एंड मसूरी का जो हिल स्टेशन स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोगों ने 7 to 8 सीटर हमने व्हीकल बुक किया था. सो गाइज, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ की व्यू, यहाँ की ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड आगे आने वाले वीडियो में आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने वाले हैं. सो यहाँ अभी हम मसूरी हिल पहुँच चुके हैं एंड बैक साइड जो आप मार्केट देख रहे हैं वो मसूरी माल रोड का ही है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. साथ ही यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड का माहौल बना हुआ था जो कि काफ़ी सही भी लग रहा था. सो आफ्टर दैट हम लोगों ने टी एंड ऑमलेट का ब्रेक लिया एंड काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी इसलिए. सो बस इसके बाद हम लोग जा रहे हैं आगे का व्यू विज़िट करने जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है. तो चलिए. सो यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को इंजॉय करने के बाद अब हम लोगों ने यू नो बाइक थी वो रेंट पर ली एंड हम लोग निकल पड़े भट्टा फॉल्स के लिए जो कि एडवेंचरस पॉइंट है. अगर आप यू नो मसूरी आते हैं तो डेफिनेटली आप भट्टा फॉल्स ज़रूर जाइए एंड वहाँ की जो एक्टिविटीज़ है उनको आप ज़रूर करिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो बस हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं. सो गाइस, अभी हम लोग भट्टा फॉल्स आ चुके हैं एंड बस हम रेडी हो रहे हैं क्योंकि जो एडवेंचरस पॉइंट है वो भट्टा फॉल्स से थोड़ा नीचे की तरफ है. सो आप चाहें तो बाइक के थ्रू भी आप जा सकते हैं वहाँ पे या यहाँ पे रोप वे की फैसिलिटीज़ भी है, आप उसका भी इंजॉय कर सकते हैं एंड रोप वे से आप यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है उसका इंजॉय करते हुए आप वहाँ तक जा सकते हैं. सो यहाँ पर हमने टिकट्स वगैरह ली एंड बस हम लोग रोप वे से निकल पड़े एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा व्यू हमें नज़र आ रहा है जो कि सच में अमेजिंग है. एंड सीरियसली गाइस, यहाँ का जो क्लाउड्स का नज़ारा था, आई मीन माउंटेन्स विद जो क्लाउड्स थे उनका जो नज़ारा था वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब देखने लायक था. आप एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएं, उस टाइप का यह नज़ारा था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था. सो अभी हम लोग यू नो रोप वे से एडवेंचरस पॉइंट आ चुके हैं. ये यहाँ का पूरा व्यू है जो मैं आपको शो कर रही हूँ. सो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी. सो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है क्योंकि एक्चुअली हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे आके पैराग्लाइडिंग करें लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि मसूरी में यू नो मॉनसून के वक्त पैराग्लाइडिंग नहीं होती है. सो हमने ये चीज़ स्किप करी एंड देन हमने सोचा चलो कुछ और ही करते हैं. अगर आप यू नो अगस्त में आते हैं तो यहाँ का जो ग्रीनरी व्यू देख कर ना आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि जो लोग नेचर लवर है लाइक मी, सो यू नो बहुत ही मज़ा आने वाला है. सो गाइस, अभी हम यहाँ पर जायंट स्विंग एक्टिविटी करने वाले हैं. सो लेट्स सी कैसा रहता है.
अब सही है। हाँ छोड़ दो, नहीं गिरोगे। चाय मार दो, चाय। सो गाइज, जाइंट स्विंग एक्टिविटी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आया, नेवर एक्सपेक्टेड। एंड सो अभी हम निकल गए हैं आगे कैंपटी फॉल के लिए। सो अभी आप ये यहाँ के जो मसूरी रोड के जो खूबसूरत व्यूज़ है वो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट किए, अब इतने अच्छे नज़ारे हैं तो फ़ोटो शूट तो बनता ही है, राइट। अभी हम लोग कैंपटी फॉल पहुंच गए हैं। एंड जो कैंपटी फॉल है वो मसूरी का द फेमस कैंपटी वाटरफॉल है। अगर आप यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली इसे ज़रूर इंजॉय करिएगा, एंड साथ ही आप यहाँ का मार्केट भी इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, ये है द फेमस कैंपटी फॉल इन मसूरी। सो गाइज, कैंपटी फॉल इंजॉय करने के बाद हम लोग फिर से देहरादून के लिए निकल गए। सो ये मेरा छोटा सा मसूरी व्लॉग था, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।